का पेंशन जो है करीब एक साल पहले आपने इसकी घोषणा की थी, तो कब तक? देखिए वो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं, और 1 नवंबर से जिन लोगों के पेड़ जो हैं वो 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनकी पहचान कर ली गई है, और अगर कुछ पेड़ अगर हमारे से रह भी गए हैं तो जो मालिक हैं वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं, और 2750 रुपये साल में उनको पेंशन दी जाएगी। यमुनानगर में बहुत कटा हुआ है इस बार बरसात में, जंगल काफ़ी जंगल वह गया लगभग 200 एकड़, उसके बारे में क्या है? देखिए अब बरसात के दौरान में कुछ इस प्रकार की घटनाएँ घट जाती हैं, लेकिन प्रशासन ने अच्छा काम किया और सारे जो बांध लगाए वो सारे के सारे काफ़ी उसको बचाव उन्होंने किया, लेकिन होता रहता है जमुना के साथ भूमि कटाव, कोई आज पहली बात नहीं, पहले भी बहुत होता था, अब तो पहले के मुकाबले में बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हम उसके प्रति पूरे जागरूक हैं और आगे कटाव ना हो इसका हमारा पूरा प्रयास है, और अभी नहर जो जमुना है उसके साथ जो है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो हमारा सेंक्शन होया कि हम उसमें जो तटबंध है वो लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए आज तक किसी ने दी नहीं है, हमने पहली बार एक इस प्रकार की योजना चलाई कि ताकि जो पुराने पेड़ हैं वो सुरक्षित रहें। तो जंगल में जो वन्य प्राणियों की गंदा होनी थी वो अटकी पड़ी है काफ़ी समय से देहरादून में, उस पर हरियाणा में कब तक काम होगा? नहीं जल्दी उस पर करेंगे।